माध्यम से हम सभी पटना वासियों को आमंत्रण देते हैं कि वो हाँ हमारे घर ये जो चीज बनाया थर्माकोल का बनाया और हाँ जी चंद्रयान 3 का आपको वहाँ पे दिखा था इस बार हाँ। कितने वर्कर लोग यहाँ काम कर रहे हैं लोग, तो अगर आप भी अगल बगल के हैं या फिर यहाँ हाँ जी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इस बार ऊपर पंडाल में लगेगा। देखिए अभी ये आ जाइएगा 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच, तो बाकी क्या उस दिन का होने वाला है कुछ नहीं तो पता है। चंद्रयान 3 इस बार सक्सेसफुल हो चुका है, उसी का इस बार की जो मूर्ति आने वाली है पापा जी की वो शायद मुंबई की। हाँ जी हेलो नमस्ते गेम चुका सका, कैसे आप लोग, मैं बाकी कोशिश फिर से अगर भी नई वीडियो लेके आप लोग के सामने। सो अभी लोकेशन की अगर सबसे पहले बात की जाए तो अभी हम आए हैं दरोगा राय पथ में, जहाँ पे आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र मंडल। यहाँ पे हर साल मूर्ति बैठाई जाती है और बहुत जोरों शोरों से धूमधाम से मनाई जाती है। तो लोकेशन मैंने आपको बता दिया, आप लोग यहाँ आइए। और 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला हमारा गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो उसको हम इस प्रोग्राम के बारे में कि कैसे कैसे क्या होने वाला है प्रोग्राम, और अंदर पंडाल दिखाऊंगी, पंडाल कैसा सजने वाला है, क्या क्या थीम होने वाला है, सारी चीज मैं बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ जी, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इस बार का क्या थीम है। इस बार का जो थीम है वो कहा जा रहा है कि चंद्रयान वाला थीम होगा, ठीक है। तो चंद्रयान आपको दिखाएंगे कि कैसा चंद्रयान का हमारा डेकोरेशन होगा, क्या चीज बना रहेगा। तो ये है हमारा चंद्रयान। इस बार का हमारा थीम जो है पंडाल का वो चंद्रयान करेगा। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए इस टाइप का शो दिखने वाला है। तो बाकी ये जो चीज बना है थर्माकोल का बना है, और जितनी भी यहाँ डेकोरेशन होगी सब थर्माकोल से बनेंगी। लेकिन आपको मैं कह सकती हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो थर्माकोल होगा। तो चलिए और भी चीज दिखाते हैं क्या क्या है। सो ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये भी थर्माकोल का बना है। इसमें ब्राउन और गोल्डन कलर का पेंट किया गया है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। तो देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा है, लग रहा है कि ये एक तरह का वुड लग रहा है, ठीक है, लकड़ी लग रहा है। तो ये बैक में आपका लग जाएगा, जो गणेश जी की जहाँ मूर्ति बैठेंगी विराजमान होगी उसके जस्ट बैक में जो बैकग्राउंड होगा वहां पर ये लगेगा। बाकी जो जितनी सारी चीजें ना सब थर्माकोल से बनी है, जो बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि थर्माकोल की। ये देख रहे हैं सारा कटिंग इतनी बारीकी से किया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं, ये मूर्तियां भी जस्ट एकदम अनोखी सी लग रही हैं। बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिहार म्यूजियम में आप ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इनका डिजाइन ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो फ्रंट में ये जो हमारा स्टेज है इसके फ्रंट में जो डेकोरेशन होगा थर्माकोल का, ये हमारा स्टार्टिंग का बनेगा, ऊपर पंडाल में लगेगा। देखिए अभी ये इसका स्ट्रक्चर बन चुका है, काफी अच्छा बना है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, पता चल रहा है कि कैसे इसको बनाया गया है। बट जिन्होंने भी बनाया, जो भी इसके कला इसको बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। आगे स्टार्टिंग में मोड़ बना हुआ है, ये जो भी इसका चौखट वगैरह सब जो दिया गया काफी खूबसूरत है। इसका बस पेंटिंग हो जाएगा, उसके बाद इसका नजारा देखने का बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर दिखने वाला है। तो इस बार का जो थीम हमारा है चंद्रयान का थीम होगा। तो आप लोगों को तो पता है चंद्रयान 3 इस बार सक्सेसफुल हो चुका है, उसी का थीम हम लोग को इस बार दिखने वाला है इस पंडाल में। हाँ जी, तो ये जो हमारा पूरा हॉल है, इस हॉल में उस साइड हमारे गणपति बाबा विराजमान होंगे और इस साइड हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पूरा होगा। इस साइड ऊपर साइड में भी जो सीनियर लोग आएंगे, विधायक लोग आएंगे, उन लोग का बैठने का होगा। बाकी तो 19 से 25 सितंबर के बीच यहाँ पे लाल बाग का जो दरबार है काफी भव्य तरीके से सजा हुआ मिल जाएगा आपको। और 22 सितंबर को यहाँ पे हल्दी कुमकुम का फंक्शन होगा। तो अगर आप भी अगल बगल के हैं या फिर यहाँ आना चाहते हैं तो जल्दी आए, काफी अच्छे से भव्य तरीके से यहाँ आयोजित हमारा पंडाल पूजा वगैरह काफी बढ़िया तरीके से होगा। तो आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर में सारी चीज होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग एक्साइटेड है मेरे से मिलने के लिए और इस पंडाल में आने के लिए, गणपति बाबा जी से मिलने के लिए। तो आ जाइएगा 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच, तो मिलते हैं। हाँ जी, तो अभी तो लाल बाग के दरबार में अभी हम लोग बैठे हैं और थोड़ा बात करते हैं इनसे, इनसे ही परिचय पूछते हैं इनके बारे में और थोड़ा पंडाल का भी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम जयदीप है और यहाँ जो भी तैयारियाँ चल रही है मेरे ही संज्ञान में चल रही है। कितने वर्कर लोग यहाँ काम कर रहे हैं? लोग 70-80 वर्कर यहाँ, 70-80 लोग काम कर रहे हैं। उसका थीम क्या है, कैसे कैसे क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस चल रहा है? इस बार तो भारत के लिए बहुत अच्छा खबर है कि हमारा चंद्रयान लॉन्च हो गया, बहुत कामयाबी से पहुंच गया, सारे दुनिया में डंका बज गया। तो हम लोगों ने भी सोचा है कि इस बार जो गणेश जी का जो आगमन हो, जो उनका महोत्सव मनाया जाएगा वो चंद्रयान के थीम पर ही मनाया जाएगा। तो हम लोग इसी पर पूरा काम कर रहे हैं, चंद्रयान 3 के थीम पर। कितना काम हो चुका है अभी, कितना बाकी है? अभी 60% काम हुआ है, 40% अभी स्टिल लेफ्ट है, अभी उस पर काम करना है हम लोगों को।
और दिन रात आदमी काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है कि एक पंडाल को सजाने में कम से कम 70-80 लोग लगे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं इसको खूबसूरत बनाने में। बाकी क्या उस दिन का होने वाला है, कुछ नया अलग हर साल, क्योंकि हमेशा नया कुछ होता है। इस बार का तो नया थीम हो गया। एक तो फंक्शन जो चलेगा वो तो लिस्ट निकलेगा कि किस दिन हमारा महाप्रसाद होगा, किस दिन हल्दी कुमकुम होगा, किस दिन मेरा झांकी आएगा, ये सब सारा लिस्ट निकलेगा। वो तो कमिटी डिसाइड करेगी किस किस दिन लिस्ट आएगा। अच्छा। तो लिस्ट आएगा तो हम लोग का तो आप लोग के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो तो हमारे पेपर में भी ऐड आ जाता है। अच्छा। तो ये पेपर में भी छप जाता है, ऐसे आप लोग को लेटर ऑन सब चीज की जानकारी मिल जाएगी। अच्छा। समय तो ऐसा क्या होता है कि हर साल क्या अलग अलग निकलता है कमिटी में से ये चीज? हाँ, ये हर साल न्यू डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम इस पंडाल में आई हूँ जानकारी लेने, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कुमकुम हल्दी कुमकुम वगैरह होता है, किस दिन झांकी निकलती है, किस दिन क्या होता है, किस दिन अतिथि आते हैं या किस दिन ज्यादा भीड़ होती है। झांकी तो आपको निकलेगी 25th को जिस दिन विसर्जन है। हाँ। लेकिन झांकी का एक प्रोग्राम भी हम लोग का होता है, विद इन बिटवीन 19 to 25 किसी दिन होगा, वो तो कमिटी डिसाइड करेगी कि किस दिन होगा, तो उस दिन आप लोग को मिल ही जाएगा। ऐसा भी पेपर और अच्छे पेपर में ये पब्लिश होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान। हाँ, तो पेपर में मैंने शायद पढ़ा था कि इस बार की जो मूर्ति आने वाली है बापा जी की, वो शायद मुंबई की कहाँ की है? जी जी, ईच एंड एवरी ईयर हम लोग का प्रत्येक साल दर बस वहीं से मुंबई से ही आती है। अरे वाह, मतलब उतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आता है। ये तो बहुत ही अनोखा चीज हो गया कि बहुत लोग होता है कि मूर्ति यहीं बनवाते हैं या कि या फिर कहीं बनवाते हैं, लेकिन हमारा मूर्ति यहाँ का हमेशा मुंबई से ही आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और कुछ बताइए, थोड़ा प्रसाद वितरण वगैरह कैसे होता है, कैसे सीट अरेंजमेंट होता है, कैसे क्या होता है? प्रसाद देखिए, प्रसाद वितरण का जो भी है, हम लोग का यहाँ जब बप्पा पर भोग चढ़ जाता है तो 6-7 बजे से महाप्रसाद का वितरण चालू हो जाता है। हाँ। लोग यहाँ से इन करते हैं, उधर से आउट होते हैं, मतलब बाहर में पूरा प्रसाद वो रास्ता है यहाँ का। हाँ। यहाँ से इन करके उधर पंडाल। अच्छा, तो पंडाल जो हमारा बन रहा है चंद्रयान वाला, वो बाहर आउटसाइड बनेगा? नहीं, चंद्रयान का थीम तो इसी मंडप पे ही रहेगा, स्टेज पे, मंच पे ही रहेगा, लेकिन पंडाल वगैरह सब बाहर बनेगा, कार्पेटिंग वगैरह होगा, वाटर प्रूफ। वो पंडाल में क्या होगा? उस पंडाल में ओनली प्रसाद का वितरण होगा, प्रसाद लोग। अच्छा, बाकी जो भी सीटिंग अरेंजमेंट होगा ये हॉल के अंदर होगा, बाहर प्रसाद का वितरण होगा, फिर उसके उस साइड से एग्जिट हो जाएंगे। हमारा यही पूरा थीम है। चलिए, बहुत अच्छा, आपको भी धन्यवाद और आपके लोगों को भी धन्यवाद। और एक चीज ऐड करेंगे, आपके माध्यम से हम सभी पटना वासियों को आमंत्रण देते हैं कि वो हमारे गणेश पूजा में आके अपने सम्मिलित हो, इनकी आरती का दर्शन लें, दर्शन कर सकते हैं, आके महाप्रसाद ले सकते हैं। तो आप लोग का भी अभी से आमंत्रण है, आप लोग भी आइए, बड़े से भव्य आरती में यहाँ पे सम्मिलित होइए। और भी कुछ कहना चाहिएगा सर? बस यही है कि आप लोग आइए, आप ही लोग के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना तैयारी कर रहे हैं। और सबसे थोड़ा इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा अच्छे से यहाँ का लोकेशन बता दीजिए हमारे जनता पब्लिक को। ये है महाराष्ट्र मंडल दरोगा राय पथ, सरपटाइन रोड, आर ब्लॉक। तो ये है हमारा लोकेशन, आप इस लोकेशन पे आ सकते हैं और बहुत बढ़िया से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग को आमंत्रण मिल चुका है, बाकी और भी चीज मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है कि कैसे पंडाल वगैरह बनेगा, कैसे वहाँ का ये स्टेज का जो भी डेकोरेशन होगा, जो भी चीज तैयार किया जाएगा, कहाँ कौन सी चीज कहाँ लगेगी, कितने मीटर पे लगेगी, कितने दूरी पे लगेगी, ये सारी चीज वहाँ पे सर देख रहे हैं। इनका कार्य ही है, इनका काम ही ऐसा है कि ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करते हैं। जी, तो पंडाल में मंच पे कार्य स्टार्ट हो चुका है, काफी अच्छे से बढ़िया से कार्य हो रहा है, देख रहे हैं वर्कर लोग पूरे लगे हुए हैं, लगभग 70-80 वर्कर लोग यहाँ काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। तो उन लोग को भी ना सैल्यूट है हमारी तरफ से, उन लोग को भी बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, जो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके इसको तैयार कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये लोकल पब्लिक का कार्य होता है कि वो उन लोग को और प्रोत्साहित करे। हाँ जी, चंद्रयान 3 का आपको वहाँ पे दिखा था इस बार का, उसका लुक यहाँ देखिए काफी बढ़िया है, बहुत तरीके से बनाया गया है उसको, बस पेंटिंग वगैरह बाकी है, कटिंग शटिंग सब हो चुका है, पेंटिंग बाकी है। अब पेंटिंग होने के बाद आपको दिखाऊं कि किसका कैसा लुक आता है। और कब कब किस चीज़ का प्रोग्राम होने वाला है, बाकी जितनी भी जानकारी लेनी है उसके लिए
तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो आप लोग भी यहाँ जल्दी विजिट करें और थोड़ा आप लोग भी देखिए कि कैसे हमारी पटना राजधानी में क्या क्या काम कैसे कैसे होता है। तो चलिए